प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर भोर के प्रकाश में प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। पुरुष का चिन्ह पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता और पुत्र पुत्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी और अनंत काल तक सदा रहेगी। तो आइए हम सभी मिलकर आज के इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। और इस नए दिन की शुरुआत करने से पहले हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। आज के प्रभु के वचन को हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये हमारा वचन है योशुआ का ग्रंथ 5:9-12। चलिए क्या है। प्रभु ने यीशुआ से कहा, आज मैंने तुम लोगों पर से मिस्र का कलंक दूर किया है, इसलिए उस स्थान का नाम आज तक गिलगाल है। इसराइलियों ने गिलगाल में पड़ाव डाला और वहाँ एरिखो के मैदान में महीनों के 14वें दिन शाम को पास्का पर्व मनाया। पास्का के दूसरे दिन ही उन्होंने उस देश की उपज की बेखमीर रोटियां और अनाज की भुनी हुई बले खाई। जिस दिन उन्होंने उस देश की उपज का अन्न पहले पहल खाया, उसी दिन से मन्ना का गिरना बंद हो गया। मन्ना नहीं गिरने के कारण इसराइली उस समय से कनान देश की उपज का अन्न खाने लगे। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर भोर के प्रकाश में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु हृदय के सच्चाई के साथ परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु हृदय के सच्चाई से परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। निश्चय आज इस प्रार्थना के द्वारा अपने सदस्यों पर जय पाने जा रहे हैं और आप बीमारी के बंधन से छुटकारा पाने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। राजा आप ही दाता है, आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा है। परमेश्वर पिता आप ही अंत और आप ही आदि है। राजा थैंक यू जीजस, आपकी महिमा करते हैं। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु, आपने सुरक्षा भरे हाथों से संभाल कर रखा है प्रभु। रात भर हम सबों को दुष्ट की चालों से बचा कर रखा है प्रभु, और अच्छी नींदी और सुबह का प्रकाश दिया प्रभु। आज हम बैठकर आपको गुणगान कर सके, सुंदर समय हम आपके चरणों में बिताने पाए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं कि सिर्फ आपके अनुग्रह का फल है। मेरे स्वामी आपकी महिमा करते हैं। राजा आज जितने भी भाई बहन मेरे प्रिय प्रार्थना में बैठे हैं, मेरे स्वामी आज बड़े सच्चाई के साथ आपके चरणों पे प्रभु ओ महान पिता परमेश्वर, आपने सिरों को झुकाए हैं। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करते हैं कि सबको आशीषित कीजिए। मेरे स्वामी मेरा राजा हर एक क्षण अपने अपने निवेदनों को लेकर आए हैं। हे राजा ओ जो जो पिता परमेश्वर मांग रहे हैं पिता, आप उनकी आवश्यकता को पूरी करें। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से स्वर्गीय भंडार खुल जाए, यीशु के नाम से हर एक की मनोकामना पूरी हो पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो तेरे दरवाजा खोला जाएगा और ढूंढोगे तो पाओगे। जो लोग बड़े सच्चाई से जीते हैं आपसे मांगने से डरते हैं राजा, आप उनके जीवन में आशीष बरसा। पिता परमेश्वर आज एक एक की मांग को पूरी कीजिए प्रभु, एक एक की दिल की ख्वाहिश को परमेश्वर पूरी कीजिए। परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं प्रभु। आप ही तो प्रभु दयावंत परमेश्वर है पिता, दया करते हैं परमेश्वर पिता। आपकी महिमा हो पिता, आपकी बड़ाई हो पिता। हम ऐसे प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत ही दुख में है पिता, आप उनके जीवन में एक नया जीवन और खुशी लाए पिता। जो लोग नशे के आदि हो चुके हैं पिता, आप उनके शरीर में अपने पवित्र हाथ उनके शरीर को छुए पिता और नशा मुक्त हो पिता। हम हर एक बेटी बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे आज के दिन में पाप में गिरने से बचे प्रभु, बुराई और भलाई में अरग फरक दिखे पिता। हर एक क्षण के लिए आशीष बरसाए पिता, जिनके घर में शांति नहीं है प्रभु, यीशु नाजरे के नाम से प्रेम का बाहर बहे प्रभु,
धन्यवाद करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो हर कार्य में असफल होते आ रहे हैं, अब वो उनका हर कार्य सफल होने वाला है। बिजनेस के क्षेत्र में आपका कार्य हो रहा है पिता, आज बड़े बुजुर्ग, आज की सुबह में जितने लोग छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आपसे जो भी मांग रहे हैं पिता, अपनी योजना के अनुसार पूरी करें पिता। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जिनसे आपने हमें जोड़ा है। धन्यवाद करते हैं उन बच्चों के लिए जो आजकल परीक्षा दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट परीक्षा में बैठे हैं, आप सबको आशीषित करें वो परीक्षा में सफल हो पाए, अच्छी तरह से लिख पाए। हम आपको सबको चरने में आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता। आज के दिन हम जो भी कार्य करेंगे पिता, आपकी योजना के अनुसार, आपके कार्य के अनुसार, आपकी विधि के अनुसार हो पाए प्रभु। हम आज के दिन में आशीष मांगते हैं हे प्रभु। आज के इस दिन में हम जहाँ कहीं भी हो आप हमें सुरक्षा रखे। धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबकी प्रार्थना को सुनी और ग्रहण किया है प्रभु। आज हम अपनी आत्मा को आपके हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद यीशु नजर के नाम से, आमीन आमीन और आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे वह आदि में थी और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कर, हे स्वर्ग के सभी दूतों और संत हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मरे हुए विश्वासियों की आत्मा परमेश्वर के दास शांति में निवास करे, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू।